अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने चिट्ठी लिखी है, एचआरडी मिनिस्ट्री को पत्र लिखा, एएमयू में हुई नियुक्तियों की जांच की मांग। छात्र संघ और अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए ये पत्र लिखा है, पेपर लीक और नियुक्ति की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अलीगढ़ से अर्जुन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्जुन, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, एएमयू में नियुक्तियों की जांच को लेकर ये पूरा मामला खड़ा हुआ है, विस्तार से जानना चाहेंगे आपके जरिए। जी, मैं आपको बता दूं, आज से दो साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर जो चपरास की लड़की थी और चपरास में नौकरी हुई थी जो भी अनलीगल हुई थी, उसी की जाँच को लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री को सांसद सचिन गौतम ने लेटर लिखा है। इसके अलावा भी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर कुछ दिन पहले पेपर मिले थे, उस पेपर में छात्र संघ और एएमयू के जो अधिकारी हैं उनको उन्होंने दर्शाया कि इनकी मिली भगत में ये पेपर लीक हुआ है, तो इसी का आज उन्होंने लेटर लिख के एचआरडी मिनिस्टर को लेटर लिखा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अर्जुन। उधर अलीगढ़ में तनाव भी बरकरार है और प्रशासन ने खैर इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। आज रात 12 बजे तक ये रोक जारी रहेगी। प्रशासन को अंदेशा है कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर कुछ असामाजिक तत्व माहौल को खराब कर सकते हैं। इस बीच टप्पल क्षेत्र पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया है।